बता दें अपने दर्शकों को हम की देखिए श्रद्धांजलि देने का क्योंकि सिलसिला शुरू हो चुका है और श्रद्धांजलि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने श्रद्धांजलि दी है तो वहीं फ्रेंच के राष्ट्रपति यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने श्रद्धांजलि दी है। हमारी सहयोगी पूनम जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूनम, अब क्योंकि लगातार अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या अपडेट? जी, हमारे जितने भी यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हैं उन्होंने अपनी अपनी श्रद्धांजलि रानी को दे दी है, जिनमें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन अपनी पत्नी के साथ पहुँचे, फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पहुँचे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर क्वीन को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, और हमारे देश की प्रधान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो भी कल प्रिंस चार्ल्स से शाम को मिली और उनसे बातचीत करी। तो काफ़ी सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, और सबका एक ही मकसद है यहाँ पर होने का, और वो है क्वीन को एक आखिरी बार उनकी चीज़ों के लिए याद करना, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिन्होंने क्वीन से मुलाकात नहीं की होगी। हर एक की अपनी अपनी खास यादें हैं क्वीन से जुड़ी हुई, और आज केवल वो ब्रिटेन के लिए ही नहीं बल्कि खास क्वीन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अपने अपने व्यस्त कामों से समय निकाल कर हर चीज़ साइड पर रख कर वो यहाँ पहुँचे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लोगों का अनगिनत लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। जल्दी से जल्दी लोग ट्रेन स्टेशंस पर पहुंचकर उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ी ही देर में क्वीन के फाइनल फ्यूनरल का प्रोसेशन शुरू हो जाएगा। ये वेस्टमिंस्टर हॉल से निकलकर ये प्रोसेशन पहुंचेगा वेस्टमिंस्टर एबी, जहाँ पर कि क्वीन को जो है अंतिम बार उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसी चर्च में जहाँ पर क्वीन की ताजपोशी हुई थी, जहाँ पर प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई, और आज वहीं पर उनको अंतिम बार उनके अंतिम यात्रा के लिए उनको याद किया जाएगा। तो ब्रिटेन में एक शोक का माहौल है, आज नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर, तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 4.1 बिलियन लोग इस टेलीकास्ट को लाइव टीवी पर देखने वाले हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यात्री बार उनके दर्शन करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।